नई नई रेसिपी जानने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बाजू वाले बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हनीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली टोस्ट। तो चलिए दोस्तों, चिली टोस्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। पहले हम एक बाउल में 1 कप सूजी लेंगे, उसके बाद उसमें हम 1/4 कप बेसन ले लेंगे। उसके बाद हमने बारीक कटी हुई ऑनियन ले ली है। उसके बाद हम बारीक कटा हुआ कैप्सिकम लेंगे। उसके बाद बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटा हुआ गाजर ले लेंगे। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। अब स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। अब हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है। अब हम इसमें पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप देख सकते हो बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से पानी पी ले। आप देख सकते हो सूजी ने पूरा पानी पी लिया है और वो फूल चुकी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें इनो डाल देंगे ताकि हमारे चिली टोस्ट सॉफ्ट बने। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बैटर ठीक लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दें। हमें अपना बैटर ठीक लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं अभी। अब हम फिर से उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए ढक के साइड पे रख देंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे, उसके अंदर मस्टर्ड सीड डाल देंगे। अब हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब इसको बैटर के अंदर डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर रेडी है। एक पैन के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और उसे पूरी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसके अंदर हमारे जो बैटर रेडी किया था वो डालेंगे। पर आप देखिए, बैटर पतला होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। हमें इस पतले लेयर में फैलाना है ताकि हमारा टोस्ट अच्छे से बन के आएगा। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम उसे पकाएंगे। मीडियम आंच पर ये अभी पक रहा है। आप देख सकते हो हमारा टोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम इसे अब दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक कर लेंगे। आप देख सकते हो दूसरी साइड भी ये गोल्डन
ब्राउन हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब ये हमारा चिली टोस्ट सर्विंग के लिए रेडी है। आप इसे चार हिस्सों में कट करके सॉस के साथ सर्व करें। और बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।